वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। आजमगढ़ जिला बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर कड़ी रहा है। राम लहर से लेकर मोदी लहर तक यहां पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तरसती रही है। अब 2022 के चुनाव में चंद महीने बचे हैं और पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतर गई है। बीजेपी जन विश्वास यात्रा के जरिए फिर आएंगे योगी जी का नारा बुलंद कर रही है। साल 1991 की राम लहर के बाद पहली बार आजमगढ़ जिले के चट्टी चौराहे से लेकर कस्बे तक भगवा में दिखा है और छतों के ऊपर से यात्रा पर फूल की वर्षा हो रही है। इससे उत्साहित भाजपाइयों का दावा है कि 2022 में वो सपा का किला ध्वस्त करने में सफल होंगे। पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी को भरोसा है कि पिछले चुनाव में कम अंतर से हारी सीटों को वह इस बार भी जीत सकती है। यही वजह है कि बीजेपी का पूरा फोकस आजमगढ़ पर है, जहां जन विश्वास यात्रा के जरिए पार्टी जहां विपक्ष को घेर रही है, वहीं सरकार की योजनाओं का प्रचार कर जनता के दिल में उतरने की पूरी कोशिश की जा रही है। 21 दिसंबर से यात्रा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। बुधवार को यात्रा का नेतृत्व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया था। आज मोदी सरकार के गृह मंत्री राज पंकज चौधरी संभाल रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब आजमगढ़ जैसा जिला भगवा रंग में रंगा हो। गांव के मिट्टी चौराहे से लेकर कस्बों पर पड़े भाजपाओं की भीड़ दिख रही है। ऐसे में लोग छतों पर खड़े हैं और पूरी तरीके से योगी जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, साथ ही उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। हालांकि इन सबको देख कर सपाइयों के भी हवा निकली है कि भैया यहाँ पर उनका गढ़ा है, यहाँ पर तो सारा भगवामय हो रहा है, कहीं यहाँ से उनकी सीट ना चली जाए और वो हार ना जाए। ऐसे में भाजपाओं का दावा लोगों का भी दावा है। जिस तरीके से भाजपा को लोग वहाँ पर पसंद कर रहे हैं, चारों तरफ बस भगवा ही भगवा दिख रहा है। ऐसे में लग यही रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जीत पक्की हो सकती है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।